सुप्रतानै स्थिरचरणिकर व्याप्तलोकान् भुक्त्वा भोगास्तविष्टान् पुनरपि शिक्षणाश्रितान्तकामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद पर विचार करते हुए अभी हम लोग उपद्घात भाष्य में हैं। पहले के दो भगवान शंकराचार्य के मंगलाचरण, फिर बाद में जो है अंतिम में जो प्रणाम मंत्र ब्रह्म प्रणाम गुरु, आधारों और अपवाद के माध्यम से तो निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व को पहुंचने के लिए उपाय दिखाया। अब जो है ये शास्त्र में यहाँ के ओंकार के अवलंबन को लेकर के हम अपनी स्वरूप तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे ओंकार की तीन मात्रा है, ऐसे ही आत्मा की जीवात्मा की तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये तीन मात्रा के साथ तीन अवस्था को तुलना करके फिर जो है इसके पीछे जिस प्रकार तीन मात्रा को उच्चारण करने के बाद देर तक कर लिए स्थिर होकर के बैठते हैं हम, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि तीन अवस्था के गुजरने के बाद जागृत अवस्था में आकर जागृत में बैठ करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था को पार करके और दूसरी के अंदर अनुसूत है जो निराकार निर्विशेष तत्व शुद्ध चेतन व्यापक उसका अनुभव करता है। ऐसे इस मानव कार्य का यही अभिप्राय है और इस अनुभव से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। अब क्या है यहाँ पे दो चीज को लिया, एक आत्मा और एक ओंकार। आत्मा को बोल रहे हैं कि समस्त रूप के विकल्प में अधिष्ठान है और समस्त नाम के विकल्प में अधिष्ठान है, परंतु ओंकार स्वयं भी एक रूप है, परंतु क्या होता है वो भी आत्मा में कल्पित है। इसमें दो अधिष्ठान नहीं है, एक ही अधिष्ठान है, एक ही अधिष्ठान है। अब देखिए ये जो अकार से लेकर के मकार तक सारे व्यंजन असर्वर्ण व्यंजन वर्ण इन में इसी में आते हैं, यानी कि जिस प्रकार समस्त नाम नामात्मक जगत का आश्रय है वाणी, नामात्मक जगत के आश्रय है वाणी, और वो वाणी भी अ से लेकर के मह तक की वर्ण के माध्यम से विकल्प होते रहते हैं। इसलिए ओंकार और आत्मा इन दोनों को लिया। अब हम लोग देखिए काल यहाँ तक पढ़ लिए थे ओम इति इदम सर्वम इत्यादि वक्टिका में स्टेम ओम इति इदं सर्वं इत्यादि वाक्यांतर संग्रहार्थम आदिपतम इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्तम ओंकारस्य प्रमितम इति शेषः। ठीक है ना, ये पंक्ति पढ़ लिए थे। यहाँ पे बोलना है कि ओम इति इदं सर्वं ओंकार, ये सारा संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ओंकार ही है। इत्यादि वाक्यांतर अन्य अन्य श्रुति में जहाँ भी ओंकार के साथ ब्रह्म को सामान्य कर देगा वो सभी वाक्यों का भी हम संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि ओंकार जो है उस परमात्मा को बोधक के लिए अवलंबन है। इसलिए बोलते हैं सर्व इत्यादि वाक्यांतर संग्रह तो वहाँ पे आदि पद दिएगा इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय तब इस प्रकार श्रुति वाक्यों से ब्रह्म बोध के लिए उपाय है
अवलंबन है ओंकार से प्रवितम, ये मैंने प्रमाण सिद्ध है, प्रवितम मतलब प्रमाण से सिद्ध होता है, श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है। इति शेष है, इतना आगे भाष्यकारी पंक्ति के साथ इतना जोर करें, कहाँ पर जोड़ेंगे आप इसको, ये देखिए ओंकार एव इदम सर्वम इत्यादि श्रुति भी भाष्य में देखिए, ठीक है ना, इसके आगे इतना जोर लेना है, इत्यादि श्रुतिभ्य ओंकारस्य इत्यादि श्रुतिभ्य क्या हो गया, ब्रह्म प्रति उपायत्तम ओंकारस्य प्रमितम इति शेष, ठीक है, भाष्य में कहाँ तक लिखा है, इत्यादि श्रुतिभ्य, ठीक है, आगे क्या जोड़ने के लिए बोलते हैं, इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्तम ब्रह्म बोध के लिए उपाय है ओंकार अवलंबन, ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है, ये वहां पे जोड़ना पड़ेगा आपको, वहां पे देखने का भी लिखा रहेगा शेष, क्या भी लिखा रहेगा अनुसंग, है ना, मतलब शेष मतलब आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा, अनुसंग मतलब उस पद को लेकर के दोबारा जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा, कल जैसे आता नास्ति बुद्धि अयुक्त भावना क्रियापद का हर ना के साथ जोड़ने के लिए बोले अनुसंग टीका में ननु स्व अनुगत प्रतिभासे सन मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्वात् आत्मनः सर्व अस्पदत्तम् न पुनर ओंकारस्य तदस्ति अननुगमात् इति आह, ठीक है ना, पुनः मैंने शंका कर रहे हुए बोल रहे हैं कि स्व अनुगत प्रतिभासे अपने अंदर स्वयं प्रकाश विद्यमान चीज, स्वयं प्रकाश विद्यमान चैतन्यमय सत्ता है स्वरूप है, स्व अनुगत प्रतिभासे सन्मात्र जो अपने आप को प्रतिभाषित होते हैं वो अस्तित्व मात्र है अचेतन नहीं है, तीन तीन आत्मनि प्राणादि विकल्प से उसको उस अधिष्ठान के ऊपर सारा प्राणादि विकल्प कल्पित है, जिस प्रकार रज्जु के ऊपर जल धारा भूषित माला दंड सर्प आदि कल्पित होते हैं, विकल्प से कल्पित होता है, विकल्प मतलब ये भी हो सकता है ये नहीं, शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु, शब्द प्रयोग तो हम करते हैं मन पारमार्थिक कोई वस्तु होते नहीं है, इसलिए विकल्प से कल्पित है, तो कल्पित तभी जब कल्पित हम कल्पना किया मन वस्तु नहीं है, किसकी कल्पना किया, अधिष्ठान कुछ है वहाँ भी ये भी हो सकती है यहाँ भी हो सकता है, अधिष्ठान के बिना कल्पना होना संभव नहीं, अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती, कुछ ना कुछ है वस्तु वहाँ पर, इसलिए कल्पितत्व आत्मन सर्वास्पदत्तम, आत्मा में सबके आश्रयत्व ये तो ठीक है, परंतु न पुनः ओंकार तदस्ति, ओंकार में सभी सबके आश्रयत्व नहीं है, न पुनः ओंकार तदस्त अकस्मात अनुगमान, ओंकार तो सबके अंदर अनुसूत नहीं है, ओंकार स्वयं भी एक फॉर्म है, ओंकार तो सबके अंदर है, कौन करना वहाँ पे ननुसानुगत प्रतिभाषी सन्मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्वात् आत्मनः सर्वास्पदत्वम्, ठीक है ना, कहाँ से कल्पना शुरू है, हिरण्यगर्भ लेके कल्पना शुरू की, न पुनर ओंकारस्य तदस्ति, ओंकार में जिस प्रकार सर्वानुगतत्व नहीं है अननुगमान, इसलिए ओंकार सबका आस्पद नहीं हो सकता, इति तत्र अहम्, इसके उत्तर में हनुमान भाष्य का क्या बोलते हैं, अपने भाष्य में देखिए कि कहाँ पे लेंगे, रज्ज्वादि एव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो अद्य आत्मा परमार्थ सन प्राणादि विकल्प आस्पदो, यथा एक फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, जिस प्रकार रज्ज्वादि एव, रज्जु हुआ, सुक्ति हुआ, स्नानु हुआ, मनुष्य के पानी भी, ये सब जैसे रज्ज्वादि एव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो, यानी सर्पादि विकल्प का जो अधिष्ठान है आधार है, कौन है वो, अद्वय आत्मा, भेद रहित आत्मा, भेद रहित अधिष्ठान में अनेक प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं, परमार्थ शंको पारमार्थिक होते हैं, वो पारमार्थ कहाँ, कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, वो एक मतलब पारमार्थिक सत्य वस्तु है, उसी के ऊपर प्राणादि विकल्प आस्पद, वही जो है प्राणादि विकल्प के लिए अधिष्ठान बनते हैं, जथा जैसे इस प्रकार क्या होता है, आत्मा अर्थ अध्यास करने के लिए आत्मा जो है अधिष्ठान, अर्थ मतलब विषय रूप, अर्थ अर्थस करने के लिए आत्मा विकल्प है, तथा सर्वभी वाक् प्रपंच, इसी प्रकार से संपूर्ण वाक्, इसी प्रकार से संपूर्ण वाक् प्रपंच क्या होता है, वाक् प्रपंच मतलब शब्दों के द्वारा जो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं प्राणादि आत्मा को विकल्प विषय, जो प्राणादि शब्द प्रयोग को लेकर के बोलते हैं, एक हो गया मतलब विषय और एक हो गया उसका नाम, जिस प्रकार विषय अध्यास करने के लिए आत्मा अधिष्ठान है, उस प्रकार नाम अध्यास करने के लिए ओंकार अधिष्ठान,
ओंकार में और से लेकर विमोह तक बोला सब पदे हम बोल रहे नाम शब्द तथा सर्व अपनी वाक प्रपंच प्राणादि आत्मा जो प्राण रूप है विकल्प विषय उस प्रकार विकल्प करने में कौन है ओंकार है उसका स्पर्श क्या हो गया ओंकार है शब्दात्मक ओंकार को बोलते हैं रूपात्मक ओंकार को नहीं बोलते हैं ठीक है ना रूपात्मक तो आत्मा के ऊपर अधिष्ठित है शब्द जो है ओंकार उच्चरण के ऊपर सारा संसार के शब्द प्रयोग होता है क्योंकि वहां से अकार से लेकर के मकार तक अक्षर विद्यमान है इस प्रकार सर्व विषय का अधिष्ठान है जिस प्रकार समस्त विषय मतलब रूप का अधिष्ठान है आत्मा और नाम का अधिष्ठान है ओंकार नाम का अधिष्ठान होगा क्योंकि ओंकार और से लेकर के मां तक के उच्चरण के स्पीय दिखा सारे अल्फाबेट उसमें आ जाता है ऐसा बोलेंगे और बचपन में भी किसी बच्चे को हम जब वर्ण परिचय कराते हैं वो आकार के साथ ही कराते हैं अ ख ग भ इस प्रकार से बोलते हैं इसलिए जो है यहाँ पे ये आकार को सर्व भाग ऐसे श्रुति भी बोलते हैं इसलिए ओंकार से ही सारा शब्द रूप निकलता है सारा शब्द निकलता है ऐसा इसलिए ओंकार समस्त शब्दों का अधिष्ठान है इसलिए बोलते हैं तथा सर्व अपि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार एव ठीक है अब देखिए उसी जिस पंक्ति को हमने पढ़ा उसी को समझा रहे आनंद गिरी जी यथा रज्जु शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान विशेष जैसा रज्जु हुआ शुक्ति हुआ इस प्रकार हो गया अधिष्ठान रूप है ठीक है ना रज्जु हुआ शुक्ति हुआ अधिष्ठान इसके ऊपर क्या होता है सर्प रज इत्यादि विकल्प आस्पद सर्प हो गया आपका रज्जु के अधिष्ठान रज्जु अधिष्ठान में सर्प भ्रांति होती है शुक्ति का अधिष्ठान में सर्प भ्रांति होता है कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता है ना सभी में परंतु आत्मा एक ऐसा अधिष्ठान है जिसके ऊपर हर प्रकार की भ्रांति होना संभव है ये बड़ी विचित्र बात है भ्रांति स्थल में आपको रज्जु के ऊपर सर्प भूषित माला जलधारा गंड ये सब की भ्रांति हो सकती है परंतु वहाँ पे आपका चांदी की भ्रांति नहीं है शुक्ति का में चांदी की भ्रांति होता है तो सर्प की भ्रांति नहीं होती है ठीक है ना कटे हुए पुरुष में पेड़ के टुकड़ा में पुरुष भ्रांति चोर भ्रांति भूत भ्रांति कई प्रकार हो सकते हैं परंतु वहाँ पर सर्प भ्रांति नहीं है इसी प्रकार मरुभूमि में बालिका में मतलब प्रत्येक उपादान की एक निर्दिष्ट निर्दिष्ट कार्य होता है हर चीज का आपको तेल चाहिए तो आपको तेल ही लाना पड़ेगा दही लाने से तेल नहीं निकलेगा ये जो परिणाम बात को आश्रय लेकर हम यहाँ भी समझा सकते हैं हाँ परंतु आत्मा एक ऐसा आस्पद है उसके अंदर ऐसे हर प्रकार की वस्तु की जो है अधिष्ठान बन सकते क्योंकि क्यों ऐसा है क्योंकि वो अपने आप निर्विशेष निराकार निर्विशेष होने के कारण उसके ऊपर हर प्रकार की विशेष आकार की कल्पना होती है परंतु रज्जु की अपने आकार और अपने शेप होने के कारण तद अनुकूल वस्तु का भ्रांति होती है व्यापकता तो आत्मा तो भ्रांति स्थल में तो पूरा व्यापक वस्तु को नहीं दिखाई देता बड़े चिन्ह रूप में दिखाई पड़ता है भ्रांति स्थल में see Rajju Sarpa Shukti Rajata in all these examples it is very close to the Lakshana of Brahman Lakshana? Brahman, Paramatma Paramatma because that is more from like Satchitananda all those things basically it is from the Lakshanas of Brahma but Vak is not a Lakshana which has been I am not able to recollect if there is any reference where Brahma is also given some Lakshana with respect to Vak नहीं आप देखिए ब्रह्म तो सभी का आस्पद है जैसे प्राण का भी आस्पद है वाक का भी आस्पद है शक्ति है वहाँ पे और बोलेंगे यहाँ पे और ब्रह्म क्योंकि ये जो ओंकार को हम वाक रूप में दिखा रहे हैं ओंकार भी तो उस आत्मा में आश्रित है व्यवहार के लिए आपको उस रूप में अलग अलग प्रकार के जो व्यवहार होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं इसलिए देखिए रूप एक होते हुए भी जल का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द प्रयोग होता है
है ना, परंतु चाहे रूप हो चाहे नाम हो, अभी ओंकार का एक तो शब्दों के द्वारा जब कोई कोई शब्द वस्तु का बोलते हैं तो आप क्या होता है वो ओंकार का ही से ही आया ऐसा मान लिया गया। फर्क क्या होगा, नाम और रूप को आप दोनों को निश्चित करने पर आप अधिष्ठान में पहुँचेंगे, एक साथ दोनों को निश्चित अभिधान और अभिधेय में अभिन्नता भी बताएंगे। अभिधान मतलब हो गया जिसको अभिधेय, जिसको शब्द के द्वारा कहा जा सकता है उसको बोलते हैं अभिधेय, और उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते किया जाता है वो हो गया अभिधान। अभिधान और अभिधेय में अभिन्नता है, इसीलिए वो जो आत्मा के ऊपर जो जिसको वस्तु दिखाई दे रहा है बाद में बोलेंगे तो एक का निषेध करने से दूसरे का भी निषेध हो जाता है, केवल अधिष्ठान ही बचेगा बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि यथा रज्जु शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान विशेष, इस प्रकार अधिष्ठान विशेष में सर्प रजतम इत्यादि विकल्पस्य आस्पद अभ्युपगत, जिस प्रकार से रज्जु और शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान विशेष है, विशेष अधिष्ठान में विशेष वस्तु की मानते हैं, वहाँ पे सर्प रज्जु में हो गया सर्प और शुक्ति में हो गया रजतम इत्यादि विकल्पस्य आस्पद, इस प्रकार विकल्प का वो आस्पद बन जाता है, आधार बन जाता है, अभ्युपगत ऐसा माना गया है। तथा आत्मा अद्वयत्व मिथ्यत्व हेतु अभाव परमार्थ सत् स्वभाव वक्षमान तस्य प्राणादि विकल्पस्य आस्पद अभ्युपगम्यते, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार रज्जु अथवा सुक्तिका में हम अलग अलग प्रकार की भ्रांति से विकल्प करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथा आत्मा अद्वैत्व वहाँ पे नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है। दूसरी बात क्या है, मिथ्यत्व हेतु अभाव वो कभी बाधित नहीं होता, उस अधिष्ठान में जो कल्पना किया वो बाधित हो जाता है, आत्मा कभी बाधित नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपको अनुभव में आते आत्मा कभी बाधित नहीं होता, क्यों नहीं होता। आप किसी भी वस्तु को निषेध करो, निषेध करते निषेध करने वाले को निषेध कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसलिए तो आत्मा बाधित नहीं होता, आत्मा कभी बाधित नहीं होता, आत्मा सत्य वस्तु है। क्यों, वो निषेध करने वाला है, निषेध जो वस्तु बाधित हो जाता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि अभ्युपगत तथा आत्मा अद्वैत। आत्मा हमेशा सभी के अंदर आत्मा एक ही रूप में अभिव्यक्त होता है, किस रूप में, मैं अहम अहमिति अंतस्पर्यंतम, इसलिए हमेशा एक रूप में भेद रहित और मिथ्यत्व हेतु अभाव व्यभिचारित तो नहीं है उसमें, इसीलिए वो मिथ्या नहीं है। परमार्थ सत् फल तो क्या है, पारमार्थिक सत् वस्तु है, इस प्रकार स्वभाव वाला स्वभाव वक्षमान तस् ओ आत्मा जो है प्राणादि विकल्प से आस्पद हो, समस्त मतलब प्राणादि मतलब समष्टि हिरण्य गर्भ से समझना, समष्टि प्राण समष्टि क्रिया शक्ति समष्टि इच्छा शक्ति समष्टि ज्ञान शक्ति सब उसके ऊपर हम आरोप करते हैं, तब उसके ऊपर आरोप करते हैं, इसलिए प्राणादि विकल्प से आस्पद अभ्युपगम्य ऐसा माना जाता है। जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प की अथवा शुक्ति का के ऊपर रजत की, इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे हिरण्य गर्भ से लेकर के चींटी तक समस्त वस्तु की नाम रूप उसी के ऊपर आरोप होता है। यथा एष दृष्टान्त तथैव प्राणादि आत्मविकल्प जह तत् विषय सर्व वाक् प्रपंच यथा यथोक्तम यथोक्त ओंकार मात्र ओंकार मात्र आत्मक तद आस्पद गम्यते। जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया, जिस प्रकार ये दृष्टांत दिया, अपने रज्जु के ऊपर कोई चीज के व्यक्ति अलग अलग कल्पना करते हैं, कल्पना करते समय उस व्यक्ति का नाम क्या हो, उस वस्तु जिसको हम सर्प बोल रहे हैं उसी को दूसरा व्यक्ति भूत छिद्र बोल रहे हैं, कोई माला बोल रहे हैं, कोई जलधारा बोल रहे हैं, तो जलधारा बोल रहे हैं, यानी कि एक ही वस्तु को अपने अपने संस्कार के अनुसार अलग अलग नाम से बोला जा रहा है भ्रांति से, और उनको उस समय पर माला ही दिख रहा है, किसको जलधारा दिख रहा है, इस प्रकार से हमें बोलते हैं यथा ऐसे दृष्टांत, जैसे ये भ्रांति स्तर के दृष्टांत हमने दिया उसी प्रकार से तथैव प्राणादि आत्म विकल्प, ये जो प्राण आत्मा के ऊपर विकल्प किया प्राणादि का, जहाँ तद विषय उस विषय सर्व वाक् प्रपंच उसको जो नाम में अभिव्यक्त करना, उसको जो नाम में अभिव्यक्त करना वो किसके द्वारा हो रहा है, वाणी और वाणी में कम क्या ओंकार, ओंकार अनुवाद हुआ, इसलिए बोलते हैं कि यह तद विषय सर्व वाक् प्रपंच यथत्व ओंकार मात्र आत्मक, ये जो ओंकार यहाँ पे कहा गया है वो समस्त वाक् प्रपंच का स्वरूप ओंकार रूपी है। पहले शब्द है ना वो बोलना ना, हम देखिए बोलते हैं हम ओंकारस्य अथ शब्दस्त गावेतु ब्रह्मणपुरा कंठ भित्त विनिर्जातु तस्मात् मांगलिकम्।
सबसे पहले ओंकार शब्द उच्चारण हुआ, इसलिए ओंकार में समस्त शब्द छुपा हुआ है। आप देखिए जैसा हमारे यहाँ पे बोलते हैं लघु सिद्धांत में आप लोग पढ़ते हैं नृतावसान नटराज राज ननाद ठकाम नवपंच बार, ये 14 बार जो बजाया था वही पूरा पाणिनि जी का व्याकरण है। मैं यानी कि उसी में उस मतलब डमरू के आवाज में पूरा संस्कृत व्याकरण पाणिनि जी के सामने अभिव्यक्त हुआ। सनक सनंदन पर नाग रूप में कभी व्यक्त वो लोग मुक्त हुए। इसीलिए जैसे जैसा भावना रहता है जिस भाव का हम ईश्वर को तपस्या करते हैं वो एक ही प्रकार के शब्द अथवा एक ही प्रकार की वस्तु प्रयोग करते हैं अपने अपने भावना के अनुसार हमको अनुभव में आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पे बोलते हैं प्राणादि आत्मविकल्प जब तक विषय सर्व वाक प्रपंच यथा यथोक्तम ओंकार मात्रात्मकम मतलब आस्पदो गम्यत मतलब बाघादि नाम संपूर्ण बाघादि प्रपंच के आस्पद है ओंकार रूपादि प्रपंच का आश्रय है अधिष्ठान। सर्व वाक्य वाक्य वाक प्रपंच लिखा है हमारा अधिकरण में वाक्य वाक प्रपंच दृष्टान्त कथे प्राणादि आत्म विकल्प जह तद विषय सर्व वाक प्रपंच वाक्य प्रपंच। अच्छा हमारे यहाँ पे बाक लिखा है कई बात नहीं वाक्यों के द्वारा विस्तार होता है जिसका अथवा वाणी के द्वारा विस्तार होता है जिसका वाक्य हो जाएगा सेंटेंस और वाक हो जाएगा आपका शब्द वाणी से जो प्रपंच यथत्व उस शब्दों के लिए जो है आपका कि यथत्व ओंकार मात्र आस्पदत्व आस्पदत्व मतलब ये नाम आयतन आयतन ओंकार गम्य समझ में आता है न च जगत जगति ओंकारस्य अनुगमः जगत में तो ओंकार का अनुगम नहीं है न च जगति ओंकारस्य अनुगमः ओंकारेण सर्व वाक संतेत ये जो बोलते हैं ये बात नहीं है ओंकार के द्वारा संपूर्ण जब भी हम शब्द प्रयोग करते हैं वो जो है ओंकार रूपी मूल शब्द का ही अभिव्यक्ति है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ओंकारेण सर्व वाक संतृण्या इति श्रुतेः ओंकार के द्वारा संपूर्ण वाक प्रपंच आच्छादित है गुथा हुआ है समझना है लाल रंग को समझना है तो आप कैसे समझेंगे लाल रंग समझना है तो कैसे समझेंगे आप उसको द्रव्य के साथ उसको देखने के लिए कोई ना कोई द्रव्य आश्रय चाहिए आपको किसी गुण को समझने के लिए कोई ना कोई गुण द्रव्य आश्रय चाहिए द्रव्य के बिना आप उसको समझ नहीं सकते ठीक है ना उसको नहीं समझ सकते। इसी प्रकार किसी मतलब वस्तु को समझने के लिए उसका नाम भी होता है नाम और नाम ही अभिन्न होता है नाम जिस प्रकार कि गुण को समझने के लिए आप द्रव्य के बिना नहीं समझ सकते इसी प्रकार किसी नाम को समझने के लिए नामी के बिना नहीं समझ सकते घट नामक क्या वस्तु घट अपने शब्द प्रयोग किया अब क्या वस्तु जब तक आपको लाकर द्रव्य ना दिखा द्रव्य तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए नाम और नामी भी अभिन्न होता है जिस प्रकार गुण गुणी अभिन्न होते हैं है ना इसलिए आप बोलते हैं अत युक्त ओंकार से सर्व आस्पदत्व इसलिए ओंकार भी आस्पद आधार है ऐसा समस्त भावात्मक प्रपंच का आधार है ये कहना युक्त शंका है परंतु शंकाकार बोलते हैं ननु अर्थ जात आत्मा आस्पदत्व ठीक है ना विषयों का अधिष्ठान हो गया अर्थ मतलब विषय विषय का अधिष्ठान हो गया रूप का अधिष्ठान हो गया आत्मा ठीक है होने के कारण एक ओंकार आस्पदत्वाच वाक् प्रपंचस्य वाक् प्रपंच का आश्रय कौन हो गया ओंकार ठीक है ना तो क्या हो गया आपका अद्वैत सिद्धांत की हानि आपकी अद्वैत आप क्या बोलते हमारे पास एक ही अधिष्ठान है एक ही वस्तु है आपने तो दो मान्यता दे दी एक आत्मा रूप का अधिष्ठान और एक ओंकार नाम का अधिष्ठान दो वस्तु ननु अर्थ जातस्य आत्म आस्पदत्वात् कौमलानं ओंकार आस्पदत्वाच वाक् प्रपंचस्य प्राप्तम आस्पदद्वयत्वं तब यह दो अधिष्ठान हो गया आपका इति तब उत्तर होते न इति आह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो जो ओंकार भी एक रूप है वो आत्मा एक आत्मा रूपी अधिष्ठान में वो भी दिख प्रतीति होने से होते हैं ये आप देखिए वहाँ पे प्रतीक कौन सा लेंगे सच आत्मस्वरूपम एव मिला सब मतलब वो ओंकार
सच ओंकार आत्मस्वरूप में वो भी आत्मस्वरूप ही है, स्वरूप तो आत्मा ही है, निर्गुण निराकार निर्विशेष वो भी स्वरूप तो वो भी है, प्रत्यपि आकार रूप में दिखाई दे रहा है पारमार्थिक वो निराकार है। सच आत्मस्वरूप में क्यों तद अभिधायकत्वात्, क्योंकि आत्मा को कथन अभिधान क्या बोलते हैं, मतलब जिसको शब्दों के द्वारा प्रकाश किया जा सकता है उसको बोलते हैं अभिधेय, जिसको शब्दों के द्वारा जिस वस्तु को शब्दों के द्वारा प्रकाश किया जा सकता है उसको बोलते हैं अभिधेय, और जिस शब्दों के द्वारा प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं अभिधायक, अभिधान अथवा अभिधायक, ठीक है ना, इसे बोलते हैं तब अभिधायक। आत्मा को आत्मा का नाम होने के कारण, ओंकार आत्मा का नाम होने के कारण अभिधायक, नाम और नाम अभिन्न होते हैं, इसलिए बोलते हैं अभिधायक। ओंकार विकार शब्दाभि शब्द अभिधेय सर्व, ओंकार में जो विकार है जो शब्द अभिधेय, जो शब्द अभिधेय मतलब जो अर्थ विषय, अभिधेय हो गया क्या हो गया विषय, जिसको शब्द के द्वारा पढ़े, ओंकार विकार, ओंकार एक विकार है वाणी के विकार है ना, वो अभिधेय को समझाने के लिए प्रयोग करता है। सर्व प्राणादि आत्म विकल्प, समस्त प्राण को आत्मा के ऊपर प्राणादि का जो हमने विकल्प किया था, परंतु वो कोई एक वस्तु आपने सोचा, परंतु क्या है वो वस्तु क्या है ये ना, वो जिस वस्तु को आपने सोचा, हमारे अलग अलग एक वस्तु को अनेक व्यक्ति ने देखा, तो अब वो क्यों कौन क्या देख रहा है जब तक वो शब्दों के तरह अभिव्यक्त नहीं करेगा तब तो पता नहीं लगेगा। कोई जो जानता है वहाँ पे रज्जु है वो तो बोलेगा रज्जु है, जो नहीं जानता है वो बोलेगा ये है वो है, ऐसा करके अलग अलग करके विकल्प करेगा। ये जो अलग अलग विकल्प हो रहा है इसका आस्पद है ओंकार, इसका आस्पद है ओंकार, बोलते हैं सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेकन राष्ट्र, इस प्रकार अभिधान और अभिधेय मतलब अभिधेय वस्तु अभिधान को छोड़ करके नहीं रहते तो उसके व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, समझा ही नहीं पाएंगे, इसलिए बोलते हैं सर्व प्राणादि आत्म विकल्प अभिधान व्यतिरेक ना नास्ति, अभिधान से छोड़ करके वो है ही नहीं, इसी को समझा रहे देखिए टीका में आ जाइए। फिर आत्मवाचकत्वे अपि नास्ति ओंकारस्य आत्ममात्रत्वम्, ठीक है ना, ओंकार और आत्मा में क्या संबंध हुआ अभी, ओंकार और आत्मा इन दोनों में क्या संबंध हुआ, अभिधान अभिधेय संबंध, ठीक है ना, अभिधान अभिधान हो गया आपका ओंकार और अभिधेय हो गया आत्मा। आत्मवाचकत्वे अपि आत्मा का वाचक है, आत्मा हो गया वाच्य, वाचकत्वे अपि नास्ति ओंकारस्य आत्ममात्रत्वम्, ओंकार केवल आत्ममात्र है ये नहीं कह सकते हैं, तद वाचकस्य तन्मात्रत्वम्, जो जिसके द्वारा बोला जाता है उतना ही मात्र है, ये कोई व्याप्ति नहीं है, व्याप्ति अभावा ऐसा मतलब अभिन्न में ऐसा पूर्ववाद नहीं बोल रहे, तद वाचकस्य तन्मात्रत्वम् व्याप्ति अभावा। आगे फिर क्या बोलते हैं, प्राणादे आत्मविकल्पस्य अभिधान व्यतिरेक दर्शना इति आशंका, क्योंकि प्राणादि के ऊपर मतलब जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, फिर वो मतलब रज्जु सर्व मात्र ही है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, सोच क्या बोलना चाहते हैं, सोच के हम रज्जु सर्व मात्र ही है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्यों, रज्जु के ऊपर आपने भूचित्र जलधारा माला दंड सब कुछ किया, इसी प्रकार आत्मा ओंकार मात्र में ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा कहीं व्याप्ति नहीं है, शंका को समझेंगे तो उत्तर भी आपको समझ आएगा, तो उत्तर से शंका को समझिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रज्जु के ऊपर कई भी कर सकते हो, आत्मा ही आत्मा का एकमात्र नाम ओंकार आप कैसे बोल रहे हैं, ओंकार और आत्मा अभिन्न कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उसी आत्मा के ऊपर तो कई विकल्प तो कई नाम आता है, अनंत नाम उसी को याद है, तब बोलते हैं कि आत्मा उतना मात्र यहाँ नहीं कह रहे, ओंकार भी एक आकार कल्पित है, वो हम केवल उसमें जितना शब्द प्रयोग होता है उसका आस्पद ओंकार है, इतना हम कहना चाहते हैं, बोलेंगे अभी देखिए यहाँ पे आत्मवाचकत्वे अपि नास्ति ओंकारस्य आत्ममात्रत्वम्, ठीक है, आत्मा का ओंकार आत्मा का वाचक होते हुए भी क्योंकि आत्मा ओंकार मात्र इतना नहीं कह सकते क्योंकि सारा विकल्प उसी को प्रकट हो रहा है, तद वाचकस्य तन्मात्रत्वम् इति व्याप्ति अभावात्, जो जिस शब्दों के द्वारा बोला जाता है केवल वो उतना ही मात्र है ये नहीं कह सकते हैं, इस पर का व्यक्ति नहीं है, एक ही रज्जु को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बोल रहे हैं, अलग 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 बोल रहे हैं, इसलिए प्राणादि आत्म विकल्पस्य अभिधान, प्राणादि जो आत्मा के ऊपर विकल्प किया गया है, आत्मा के ऊपर जो रूप का विकल्प किया गया है
अभिधान व्यतिरेक दर्शना, क्योंकि वो आपका नाम में परिवर्तन करते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना, अपना नाम को परिवर्तन करते हुए दिखाई देता है। रज्जु को कोई भूछिद्र जलधारा मारा धन हो गई, अलग अलग नाम से बोल से ऐसा शंका करते हैं तो बोलते हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो अलग अलग नाम बोल रहे हैं ना, वो नाम जिसके ऊपर आश्रित है वो ओंकार है, उसमें विकल्प नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं उसमें तो विकल्प होगा, मतलब जितना भी मतलब हिरण्यगर्भ से ले करके चींटी तक जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो सब ओंकार का रूप है। ओंकार के शब्द का अंत का ओंकार को शब्द का अंत पाते नहीं, उस शब्द का विकार मात्र है। आगे बोलेंगे वाचारक मन भी उसको समझाने के लिए आ रहे हैं। ये हो जाएगा ओंकार कि प्राणादे आत्मविकल्प से अभिधान व्यतिरिक दर्शनात् इति आशंका ओंकार, यह विकार के प्रतीक ओंकार विकार शब्द विधेय से सर्व प्राणादि आत्मविकल्प अभिधान व्यतिरेक नास्ति इति हो तस्य विकार सर्व भाग विशेष, इसलिए उस ओंकार का विकार है सारा भाग विशेष। तस्य ओंकार से विकार सर्व भाग विशेष है, ठीक है समझ में आया। उसमें अनेक अलग बोलेंगे उसमें असुविधा नहीं है, क्योंकि वो समस्त भाग वाक् प्रपंच का अधिष्ठान है ओंकार, इतना अभिप्राय है। और वो ओंकार आत्मा में उनका आश्रित है, इसलिए दो अधिष्ठान भी नहीं है, एक है बोलेंगे हम। उसी को समझाने के बोले अकारो वही सर्वा भाग श्रुते है ना, ये समस्त वाक श्रुति वाक्य है, ये जितना भी वागात्मक प्रपंच है वो आकार के ऊपर आश्रित है, मतलब वावल के बिना आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ये अभिप्राय है। श्रुति ओंकारस्य च तत्प्रधानत्वात्, ओंकारस्य च तत्पद मतलब अकार प्रधानत्व, अकार पहले आया, ओंकार का पहले शब्द अ आता है, सुनते ओ प्रधान है। ओंकारस्य तत्प्रधानत्वात् तेन प्राणादि शब्देन वाच्य, तेन मतलब क्या हो जाएगा, टिप्पणी दिखाई दे रही आपको, तेन मतलब सर्वस्य प्राक् प्रपंचस्य ओंकार मात्रात्मकत्वेन, संपूर्ण वाक् प्रपंच का अधिष्ठान कौन है, ओंकार होने का, ठीक है ना। तेन इस कारण से प्राणादि शब्देन, प्राणादि शब्दों के द्वारा आपने कोई वस्तु कल्पना कर ली आत्मा के ऊपर है ना, फिर उसके शब्द प्रयोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओंकार उसका अधिष्ठान। इसलिए बोलते हैं प्राणादि शब्देन वाच्य, प्राणादि आत्म विकल्प सर्व प्राणादि से लेकर स्वरूप में जो भी कुछ विकल्प है स अभिधान व्यतिरेक नास्ति, कुछ है उसके नाम और नामी अभिन्न होता है, उस नामी से उसका भिन्नता कभी नहीं है, नाम और नाम में भिन्नता, स्वाभिधान व्यतिरेक ना नास्ति। तच्च अभिधानम प्राणादि शब्द विशेषात्मकम ओंकार विकार भूतम ओंकार अतिरेक न संभवते थी ओंकार मात्र सर्वमिति निश्चीयते। देखिए इतना बोलने के बाद तच्च अभिधान, अभिधान मतलब वो जो शब्द नाम, वो जो नाम मतलब शब्द है ना, कौन सा शब्द है, प्राणादि शब्द, अभिधान शब्द का आपने अर्थ कर दिया प्राणादि शब्द, विशेष आत्मक ओंकार विकार भूतम, वो एक हो गया सामान्य और एक हो गया विशेष। सामान्य हो गया अ से लेकर के ह तक जितना आपका अल है, जितना स्वर और व्यंजन वर्ण ये हो गया सामान्य, और उसका विशेष हो गया घर पट मठ मकान दुकान, ये सब शब्द प्रयोग करना विशेष, और कोई भी विशेष सामान्य का आश्रय के बिना रह नहीं सकता, ठीक। इसी प्रकार ओंकार हो गया सामान्य और उसके ऊपर प्राणादि हो गया विशेष, और कभी भी ये विशेष सामान्य का आश्रय के बिना रह नहीं सकता, स्थिति से ओंकार समस्त नामात्मक प्रपंच का आश्रय, समस्त नामात्मक आश्रय इसलिए बोलते हैं तेन प्राणादि शब्देन वाच्य प्राणादि आत्मविकल्प सर्व स अभिधान व्यतिरेक नास्ति। तच्च अभिधानम प्राणादि शब्द विशेष आत्मक ओंकार विकार भूतम ओंकार अतिरेकेन न संभवति इति ओंकार मात्रम सर्वमिति निश्चीयते। इस प्रकार से ये सारा ओंकार का ही वाणी शब्द से प्रयोग करते ओंकार रूपी है ऐसा कहा जाता है निश्चय के लिए। आत्मनो अपि तद्वाच्यस्य तन्मात्रत्वम अभिधानादिति अर्थ, फिर क्या हो गया, आत्मा भी, आपने क्या बोला था कि आत्मा ओंकार मात्र है, तो ओंकार आत्मा की कैसे वह कह सकते हैं कि अधिष्ठान को तो कई नाम से बोलते हैं, उस आत्मा को भी ओंकार शब्द के द्वारा कहा जाता है, इसलिए आत्मा और ओंकार की अभिन्नता है। आत्मनो अपि तद वाच्यस्य, आत्मा का भी उसका ओंकार हो गया आपका वाचक और आत्मा हो गया वाच्य, तद वाच्यस्य मतलब ओंकार, ओंकार का वाच्य है वाच्यस्य, तन्मात्रत्वम मतलब ओंकार मात्रत्वम मत अभिधानार्थ, क्योंकि उसी नाम से कहा जाता है इति अर्थ है इस अभिप्राय से। अब देखिए टोटल अभिप्राय को अभी हम भी बताएंगे, शब्द अतिरिक्त अर्थ अभावे मतलब
नाम और नाम शब्द अतिरिक्त अर्थ अभावे, है ना, जो भी कोई विषय है उसका कुछ ना कुछ नाम है, शब्द अतिरिक्त कोई विषय नहीं है, तभी तो व्यवहार होगा। अभावे शब्द से अर्थवाचकत्व अनुपपत्ति, शब्द से विषय को नहीं बोल सकते तो कोई व्यवहार के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो विषय का आपका वहाँ पे वास्तविक जो विषय है, जो आपने अभिधान अभिधेय एक कर दिया, विषय विषय को एक कर दिया, जो होना संभव नहीं है, इससे क्या दिखाना चाहता है कि वास्तविक वहाँ पे एकमात्र अधिष्ठान जिसको परिकल्पना किया गया वही शब्द है, उसको समझाने के लिए बोलते हैं शब्द अतिरिक्त अर्थ अभाव, शब्द से भिन्न करके कोई विषय नहीं होता, शब्द से अर्थवाचकत्व अनुपत्य, परंतु शब्द किसी विषय को पूरा समझा दे ये भी होना संभव नहीं होने कारण एकत्र विषय विषय अजगत, एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति विषय भी होगा विषय भी होगा, ये होना संभव नहीं होने के कारण निर्विकल्पकम सन मात्रम वस्तु, वास्तविक वहाँ पे जो वस्तु जो बैठा हुआ है वो निर्विकल्प केवल सत मात्र कोई वस्तु विद्यमान है, ये सिद्ध हो रहा है, इसे बताया निर्विकल्पकम सन मात्रम वस्तु, वाच्य वाचक विभाग शून्य, वहाँ पे वाच्य वाचक रूप में व्यवहार कर रहे हैं किंतु उसमें वाच्य वाचक विभाग नहीं है, इस प्रकार एक ही वृत्ति का है। आप वहाँ पे घरा सकोरा आदि हम शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु वो शब्द प्रयोग वास्तविक वृत्ति का भी किया जा रहा है, तो वो वृत्ति का भी कुछ नहीं है पारमार्थिक, इसी प्रकार से एक आत्मा ही है और वहाँ के बाच्यों बाच्यों में भी भेद होना संभव ही नहीं है, जैसे वृत्ति का परिणत हुआ भरा में, इस प्रकार आत्मा कभी भी किसी रूप नाम रूप में परिवर्तन हुआ ही नहीं, फिर वो कल्पना करके केवल हम शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों ही एक साथ लय प्राप्त करते हैं, अभिधान और अभिधेय, जितना विषय कल्पना किया और उसके शब्द प्रयोग किया, वो दोनों केवल इतना ही नहीं, विषय विषय के लिए शब्द प्रयोग और तत्संबंधित ज्ञान ये भी लय प्राप्त करते हैं, जब अधिष्ठान की ज्ञान होता है सर्व संबंधित ज्ञान सर्व विषय और सर्व शब्द सारा जाता है, इसे क्या पे बोलते हैं कि वाच्य वाचक विभाग शून्यम पर्यवस्यति अभिप्रेत, इसको मन में रखते कार्यस्य वस्तु तो असत्य, ये जो कार्यात्मक जगत पारमार्थिक है ही नहीं, असत्य प्रमाणम, इस विषय में श्रुति प्रमाण को देते हैं, श्रुति प्रमाण क्या कहते हैं वहाँ पे वाचारम्भनम विकारो नाम ध्येयम, ठीक है ना, ये मुख्य चीज है, पहले आपको आप नाम रूप के द्वारा एक अधिष्ठान को समझा देंगे, है ना, कोई एक रूप आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो कार्यात्मक जगत है, हाँ है, तो फिर क्या है, तो यदि कार्य है तो कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए, यदि कार्य है तो कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए, फिर हम क्या बोलते हैं कार्यात्मक जगत है ही नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे कारण ही नहीं है, ये बोलेंगे क्या नहीं नहीं कारण नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं, जिस वस्तु को दिखाया उसमें कारणता नहीं है, नहीं तो आप शून्य बात में पहुंच जाएंगे, हम तो अधिष्ठान कार्य को दिखा करके कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता ये निश्चय है, ठीक है, आप क्या बोलता है कार्यात्मक जगत नहीं है, यानी कि कोई एक जो कारण रूप में जिसको हमने समझा समझ रहे थे उसमें कारणता नहीं है, परंतु वस्तु एक है ये निश्चय हो जाता है, इस अभिप्राय से हमें बोलते हैं वाचारम्भनम विकार नाम ध्येयम, ठीक है ना, तस्य इदम वाचा तंता नाम अभिदाम अभिसर्वम शीतम, इन दोनों शब्द का अर्थ टीकाकार करेंगे, देखिए एक नंबर टिप्पणी यहाँ पे वाचारम्भनम विकार नाम ध्येयम, ठीक है ना, छांदो को श्रुति है 6-1-4, देखिए बात 6-1-4 तो वाचारम्भन को बोले एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े विकार घटादि कार्य वर्ग वाचारम्भनम वाचा आरभ्यते व्यवह्रियते, ठीक है ना, बस वाणी के द्वारा केवल व्यवहार मात्र किया जाता है, इसको बोलते हैं वाचारम्भन, ठीक है ना, विचार तथा इसलिए इसको इस प्रकार से कहा गया वाग व्यवहार मात्र में तत् केवल मात्र शब्द प्रयोग है वहाँ पे, वस्तु मृत्यु का भिन्न कुछ नहीं कारण भिन्न और कुछ नहीं, ये अभिप्राय है वाचारम्भन विकार नाम ध्येयम, ध्येय प्रत्यय शास्त्रीय प्रत्यय है, नाम जो है उसी को ही बोलते हैं ननु विकारस्य, दो नंबर टिप्पणी वाक व्यवहारण मात्रत्वे, जो विकार है वो केवल वाणी की व्यवहार मात्र है, कथम सार्वलौकिक वाच्य वाचक भेद, समस्त लोक में ये वाच्य है ये वाचक है ये विषय है इसका बोलने वाला भेद ये कैसे होता है, इतना तो केवल नाम ध्येय नाम मात्र है, कोई वास्तविक वहाँ पे पारमार्थिक वस्तु नहीं है व्यवहारिक वस्तु है मात्र, तब भेदो अभी नाम मात्र में वह, इसके जो भेद को आपको दिखाई पड़ता है ना वो भी केवल व्यवहार मात्र के लिए है, नाम मात्र ना वस्तु सिद्धि वस्तु सर वो पारमार्थिक वो सत वस्तु है ऐसा नहीं है, सारे शब्द वो अपने आप शुद्धि बोलते हैं कारण ही सत्य है वहाँ भी,
वाचारम्भन विकार नाम ध्येय वृत्ति का इत्येव सत्यम कारण ही सत्य है। जो मानस आरंभ और वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है। फिर इसके बाद आया हुआ है कि तस्य तदस्य इदम वाचा तंत्या नाम भीर दाम भीर सर्वम सितम। उस तीन नंबर टिप्पणी देखिए, तदस्य इदम वाचा तंत्र उस इसको इस वाणी इदम वाचा तंत्र वाणी रूपी तंतु के द्वारा तंत्री है वहाँ पे नाम भी मतलब नाम के द्वारा वाणी रूपी तंतु नाम के दाम भी वो हो गया रस्सी के स्थान में तंतु हो गया बाण रस्सी के स्थान में सर्वम शीतम सब गुथा हुआ है सारा संसार गुथा हुआ है। उसी को देखिए यहाँ पे लिख रहे तीन नंबर टिप्पणी है तदस्य इदम वाचा तंत्र मिला जब तक व्यवहित जब तक अव्यवहितम च तस्य वा तंत्री। फिर आगे क्या है नामानि ना तंत्री जो हमारे पुस्तक में नी मात्रा है जो वहाँ पे रेफ होना चाहिए रेफ है ना हाँ नामानि 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 दामानि इति पूर्व वाक्यम इसके पहले जो वाक्य आया हुआ है च जब तक अव्यवहितम वो जो उससे अभिन्न रूप में दिखाई पड़ रहे हैं ना च तस्य वाक् तंत्रे उसका जो है मतलब अधिष्ठान के ऊपर जो वस्तु अभिन्न रूप में दिखाई दे रहा है वो वाणी के गुथा हुआ है वाणी से गुथा हुआ शब्द वाक् तंत्रे वो क्या है नामानी नाम है वो दामानी दाम मतलब रस्सी है ना वो वाणी रूपी रस्सी से गुथा हुआ है जो भी वस्तु वहाँ पे दिखाई दे रहा है वाणी रूपी रस्सी से गुथा है। यदि पूर्व वाक्य इसके पहले ये वाक्य है तस्य किसी को वहाँ पर जाना तत् अस्य तद अस्य इदम इसलिए बोलते तस्य प्राणस्य वाक् करणम तंतिर इव तंतिरो तन वाक् करण मतलब क्या है उस प्राण को हमने बोला तंत्र में तो हमें कोई रस्सी से गुंथे ये बात नहीं है तंतिर इव मतलब गुंथा हुआ जैसा तंतिर जथा इस प्रकार वत्स्य तंतिर लोके मतलब क्या हो गया ये वत्स्य को बांधा हुआ है। जब आप बोलते हैं ना कैसे बांधते हैं संबंध करके बांधते हैं ये मेरा है यही बंधन यही मेरा है वो उसके अंदर भी जैसे आप किसी पशु को भी कुछ प्यार देंगे संबंध भर बनाए देंगे वो भी एक आपके साथ संबंध जम करेंगे यही बंधन है ठीक है ना। इसी के आप बोलते हैं वत्स आत्मतत् हाँ वत्स वत्स तंत्री लोके स्वात्म संबंधी भी वत्स तंत्री श्लोक व्यवहार में आपके साथ अपने का साथ संबंध के द्वारा दाम भी वही रस्सी के काम करता है वत्सान संघिणाति बछड़े को अथवा अपने पुत्र आदि को अपने प्यारे वस्तु को सम्यक रूप से गूंथते हैं तथा उसी प्रकार से जैसे लोक व्यवहार में ऐसा दिखा देता है उसी प्रकार वाक् तंत्री समुत्थितानी ही नामानी उसी प्रकार वाणी के साथ संबंध करके नाम के माध्यम से वाणी के साथ संबंध करके उस वस्तु को हम गूंथते हैं तथा वाक् तंत्री समुत्थितानी ही नामानी मतलब नामानी मतलब क्या हो गया अभिधानानी ठीक है ना। ऊपर देखिए नामानि तस्य इदं वाच तंत्र मतलब वाणी रूपी तंतु के तंत्री के द्वारा गांठ के द्वारा वो है नाम भी मतलब अभिधानानि दामानि इव दामानि वो भी वहाँ पे दाम मतलब रस्सी वो रस्सी का काम कर दामानि इव दामानि मतलब यहाँ बोलते हैं दामानि इव दामानि सर्वम ही जगत अभिधेय रूपम संपूर्ण जगत जो है अभिधेय मतलब जिसको शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है अभिधेय रूपम नाम भी प्रकाश मनम नाम के द्वारा प्रकाशित होते हैं बद्धम इव इससे क्या कैसा हुआ कि वस्तु के साथ आप नाम से संबंध जोड़ा प्रदेश होगा और नाम के द्वारा वो वस्तु बंधा हुआ है जैसा इसलिए बोलते हैं बद्धम इव दाम भी इव दाम भी इव बच्चा जैसा रस्सी के द्वारा बच्चे को बांधते हैं इसी प्रकार इस संबंध के वाणी रूपी संबंध के द्वारा आप वस्तु को गूंथ रखा अपने साथ साथ में अंदर में भाव तो है ही है इति एतद् अर्थम वेदितव्यम इस प्रकार का अर्थ को यहाँ पे समझना चाहिए नाम इदम सर्व अब देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या लिख रहे हैं वाचन में कार्यस्य सर्वस्यैव मिथ्यत्वे कथम ओंकार निर्णयस्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वं सिद्धि इति आशंका। तो आपने क्या किया संपूर्ण कार्यात्मक जगत अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है तो कार्यस्य सर्वस्यैव मिथ्यत्वेपि इति का कार्य मिथ्य है मतलब कैसे ओंकार निर्णयस्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय ओंकार के निर्णय के द्वारा ब्रह्म बोध ये कैसे हो जाएगा प्रसंग चल रहा था कि ओंकार के निर्णय से ब्रह्म बोध होगा
आपने कार्यात्मक जगत को मिथ्या सृष्टि दिखा करके कल्पितात्मक जगत के इससे ब्रह्म प्रतिपत्ति कैसे होगा, ये शंका उठाए। कार्यस्य सर्वस्य एव मिथ्यत्वे अपि कथम ओंकार निर्णयस्य ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व सिद्धि, ओंकार निर्णयस्य ब्रह्म बोध के लिए उपाय कैसे सिद्ध होगा, इति आशंका आवश्यक करते तदस्य इदं वाचा तन्तानाम अभिर्दाम अभि सर्वं सिद्धम्। इसी को अर्थ करके देखिए, तद इदं विकार जातम, ये संपूर्ण विकार जातम आत्मा को प्रतिकल्पित है। तद इदं विकार जातम अस्य ब्रह्मण संबंधी, ये देखिए ये जो है ये अस्य अस्य यहाँ पे तद अस्य ना, तद शब्द से क्या लिया, तद इदम विकार जातम, जो मंत्री यहाँ पे है तद अस्य इदम वाचा तंत्र, इसका शब्द लिखो, तद शब्द का अर्थ कर दिया इदम विकार जातम, अस्य शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मण संबंधी, ब्रह्म का संबंध रखने वाला, वाचा है ना, तो फिर वाचा तंत्र, वाचा सामान्य रूपया तंत्रिया, तंत्री है उसका तंत्र, वाचा सामान्य रूप तंत्री के द्वारा प्रसारित रज्जु तुल्यया, इस प्रकार एक रज्जु देखा और फेंक कर उसके द्वारा सब कुछ गेंद जाल जैसे तुल्यया, शीतम मतलब बद्धम मतलब व्याप्तम, वाणी के द्वारा सारा व्याप्त इति संबंध, एक अभिधान और अभिदेव दोनों को एक करने का अभिप्राय यही है, एक को निषेध करने से दूसरा भी निषेध हो जाएगा तो ब्रह्म रूप अधिष्ठान आपको सिद्ध हो जाएगा। अब इसके ऊपर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, ये तद इदम विकार जातम अस्य ब्रह्मण, इस ब्रह्म का चार नंबर टिप्पणी, चार नंबर के ब्रह्मण संबंधी थी मतलब ब्रह्म में कल्पित है, तत्र कल्पित तेन तत्तादात्म संबंध, क्या संबंध है वहाँ पे कल्पित तादात्म संबंध, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प उसके साथ रज्जु का क्या संबंध है, वेदांत में कल्पित संबंध तादात्म संबंध मानते हैं। इसी प्रकार अधिष्ठान रूपी आत्मा में जो रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है उसके साथ आत्मा का क्या संबंध है, कल्पित तादात्म संबंध, ऐसे बोलते हैं तत्र कल्पित तेन तत्तादात्म संबंधवत इति अर्थ, तत्र कल्पित मिति जगत मानते ब्रह्म संबंधी मतलब क्या हो गया, वो ब्रह्म में कल्पित, वाचा सामान्य रूपया पांच नंबर थी पर सामान्य रूपे थी शब्दत्व अवच्छिन्न रूपया प्रणव रूपया, एक हो गया अनेकों में रहने वाला जो सामान्य धर्म है उसको जाति बोलते हैं, शब्द कुछ भी हो परंतु उसमें शब्दत्व धर्म रहता है, अनेक मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं परंतु बोलते हैं मनुष्यत्व जाति रहता है, ये सामान्य है मनुष्यत्व जाति सामान्य है, अलग अलग उसका विशेष है, प्रसारित रज्जु तुल्यया शीतम मतलब बद्धम व्याप्तम, शीतम शब्द हम देखिए मूल में आपके पास आया हुआ है, शीतम मतलब मुठा हुआ, तो स्नेह बंधन धातु है उसका निष्ठा रूप है, बंधन है इसी से विशेष शब्द भी बनता है, विशेष बंधन से विशेष शब्द जो बांधता है उसी को विषय बोलते हैं, शीतम मतलब बद्धम, वाचा तंता नाम अभी नाम अभी शीतम सर्वम शीतम सब कुछ बंधा हुआ है गुंथा हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे शीतम बद्धम व्याप्तम इति संबंधम। अब क्या हुआ ठीक है, अब शब्द सामान्य और शब्द विशेष, इसी प्रकार विषय सामान्य और विषय विशेष, इस प्रकार विषय सामान्य है रज्जु और विषय विशेष क्या हो गया सर्प जलधारा भूचित्र दंड माला है विषय विशेष हो गया, इसी प्रकार शब्द सामान्य हो गया ओंकार और उसका विशेष क्या हो गया प्राण से लेकर के चिंटी तक शब्द प्रयोग होता है, ठीक है ना, या और ये विशेष कभी भी सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता, इसको लेकर क्या बोलते हैं शब्द, हाँ शब्द सामान्य अर्थ सामान्य व्याप्तो अपि, शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य विषय सामान्य व्याप्त होने पर भी कथम अर्थ विशेषस्य शब्द विशेष व्याप्ति, विषय विशेष और उसके लिए विशेष शब्द वहां पर व्याप्ति कैसे होगा, इति आशंक नाम के द्वारा होगा, नाम भी इति इसलिए बोलते हैं नाम भी दाम भी वहां पर नाम भी दाम भी सर्वक्षित नाम भी इति, अच्छा यही रखेंगे समय हो गया, शब्द सामान्य अर्थ सामान्य व्याप्त हुआ, शब्द सामान्य के द्वारा अर्थ सामान्य का व्याप्त कर देने पर भी कथम अर्थ विशेष शब्द विशेष व्याप्ति, शब्द विशेष अर्थ विशेष सामान्य हो गया अधिष्ठान उसके ऊपर विकल्प हो गया विशेष, इस प्रकार सामान्य हो गया ओंकार उसके ऊपर अलग अलग शब्द हो गया विशेष, ठीक है ना, ये कैसे व्याप्त होगा नाम के माध्यम से,
नाम के अलग अलग शब्द प्रयोग के नाम मानते इसके द्वारा वो घूम जाएगा। ठीक है, अरे ही रखे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति।